नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम, नवनीत गौतम्स क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। बीएससी सेकंड सेमेस्टर थर्मल फिजिक्स के एमसीक्यूज की सीरीज आप लोग देख रहे हैं, और इसमें मैंने आपको जो आपकी फर्स्ट यूनिट है जिसका नाम है जीरोथ एंड फर्स्ट लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसके 45 क्वेश्चन तक करा दिए थे। आइए आज के लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 46 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर 46 पढ़ें आप, स्क्रीन पर आपके सामने होगा। तो इसमें कहता है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है जी, 46 से स्टार्ट करना है। ठीक है जी, तो मैंने 45 तक करा दिए थे। तो देखो क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए थर्मोडायनेमिक फंक्शन, इनमें से कौन सा थर्मोडायनेमिक फंक्शन नहीं है। तो आप जानते हैं, ऑप्शन पढ़ें, जो एंथैल्पी है वो एक थर्मोडायनेमिक फंक्शन है। ठीक है जी, जो गिब्स एनर्जी है वो भी एक थर्मोडायनेमिक फंक्शन है। चार थर्मोडायनेमिक फंक्शन बताए थे ना, एक एमसीक्यू आया था ऐसा, और एक इंटरनल एनर्जी यू, ये भी थर्मोडायनेमिक फंक्शन है। तो जो थर्मोडायनेमिक फंक्शन नहीं है वो कौन सा है, वर्क डन। ठीक है जी, तो यानी वर्क डन आपका थर्मोडायनेमिक फंक्शन नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 46 का बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, वर्क डन। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 47 पर चलते हैं, देखो स्क्रीन पे होगा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है, द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इंप्लाइज, जो सेकंड लॉ है थर्मोडायनेमिक्स का वो क्या कहता है। तो ऑप्शन नंबर ए पढ़ो, होल ऑफ द हीट कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, सारी की सारी हीट को आप मैकेनिकल एनर्जी में यानी वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो नहीं, ये तो गलत बात है, ये है ना, आपने थ्योरी में पढ़ा होगा कि आप हीट को, सारी हीट को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, है ना। क्लियर है, कुछ वर्क जरूर करना, मतलब कुछ जो हीट आप लेते हैं किससे, हॉट बॉडी से यानी सोर्स से, कुछ का वर्क करना पड़ेगा और बाकी आप सिंक को दे देते हैं। ठीक है जी, सारी का आप वर्क नहीं कर सकते, ये गलत है। तो नंबर सेकंड है, नो हीट इंजन कैन हैव एफिशिएंसी 100%। ठीक है जी, तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यही कहता है कि कोई भी ऐसा हीट इंजन नहीं है। सेकंड लॉ के दो स्टेटमेंट हैं, एक तो आपका क्लॉसियस स्टेटमेंट है ना, और एक आपका केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट है। तो जो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट है वो आपका हीट इंजन से रिलेटेड है, और जो आपका क्लॉसियस स्टेटमेंट है वो आपका रेफ्रिजरेटर से रिलेटेड है ना। तो हीट इंजन के टर्म्स में यदि आप इसे समझें, तो लॉ कहता है कि कोई भी हीट इंजन ऐसा बनाना पॉसिबल नहीं है जो जितने हीट सोर्स से लेता है सारी की सारी हीट दे दे किसे, सिंक को, विदाउट डूइंग एनी वर्क, बिना वर्क करे। ठीक है जी, यानी वर्क करना ज़रूरी होता है, मतलब सिंक को देनी हीट। देखो आपको ये कॉन्सेप्ट इस तरीके से याद होगा, आपको थोड़ा बता ही दूँ इससे क्लियर हो जाए। आप देखते हैं यहाँ से हीट, ये हॉट बॉडी है, ठीक है जी, और ये कोल्ड बॉडी है। हीट Q1 ली, W का वर्क करा, और Q2 आपने कोल्ड बॉडी को दे देते हैं। ठीक है जी, इस तरीके से चलता है। तो इफिशियंसी 100% होने का मतलब पता है क्या है, कि आपने जितनी हॉट बॉडी से हीट ली, वर्किंग सब्सटेंस होता है ये, है ना, सारी की सारी का वर्क कर दिया है ना, सिंक को या कोल्ड बॉडी को हीट दी ही नहीं। तो ऐसा कोई भी हीट इंजन नहीं है जो जितनी हीट हॉट बॉडी से या सोर्स से ले उस सारी को वर्क में बदल दे, ऐसा कोई भी हीट इंजन नहीं होता। ये स्टेटमेंट केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट है, किसका, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। ठीक है जी, तो इसका मतलब है हीट जितनी लेता है सारी की सारी को वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकता, यानी कि इफिशियंसी जो है 100% नहीं हो सकती। आप इस बात को ऐसे भी कह सकते हो, ठीक है, इफिशियंसी 100% होने का चूंकि मतलब क्या है कि जितना इनपुट है उतने ही आउटपुट है, जितनी हीट ली उतनी को ही वर्क में बदल दिया, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका इसी बात से रिलेटेड है, जो कि आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर, नहीं इसके और ऑप्शन और पढ़ लो। वो कह रहा है, सेम हीट इंजन वर्किंग इन रिवर्सिबल प्रोसेस कैन हैव एफिशिएंसी 100%। ठीक है जी, जो रिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क कर रहा है उसकी एफिशिएंसी 100% है। तो 100% किसी की नहीं होती है ना, ये तो गलत बात है।
और कह रहा है ए रेफ्रिजरेटर कैन रिड्यूस द टेम्परेचर टू एब्सोल्यूट जीरो, ये भी गलत बात है ना। जो रेफ्रिजरेटर है वो टेम्परेचर है ना जीरो डिग्री, ये एब्सोल्यूट जीरो कर सकता है। एब्सोल्यूट को जीरो का मतलब माइनस के 273, ठीक है जी। तो ऐसा नहीं होता है ना, कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो नहीं हो सकता, ठीक है जी। तो ये सारे ऑप्शन गलत हैं, ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट था। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स से रिलेटेड था ये भी ऑप्शन, ठीक है जी, यानी हीट इंजन से रिलेटेड, यानी केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, ठीक है जी। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर आपका 49 आपके सामने होगा, पढ़ो, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 48 देखें क्या कह रहा है, पढ़ो। देखो इसमें आपसे कहता है बाय इंक्रीजिंग प्रेशर मेल्टिंग पॉइंट जो है आइस का वो किस तरीके से चेंज होता है। तो बाय इंक्रीजिंग प्रेशर, देखो इसके लिए आपको क्लोसियस क्लेपेरन लेटेंट हीट इक्वेशन को याद रखना पड़ेगा। डी पी अपॉन डी टी बराबर है एल, है ना, और अपॉन क्या था टी, और यहाँ था वी टू माइनस वी वन, क्लियर है जी। वी टू माइनस वी वन ये है आपकी क्लोसियस क्लेपेरन लेटेंट हीट इक्वेशन, ठीक है जी। ये इक्वेशन आपकी एक ऑप्शन में आई भी थी, है ना, वहाँ से भी आप इसे याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में है ना इसका मैंने जिक्र किया था आपसे। तो इस इक्वेशन से आप एप्लीकेशंस हैं इसके लेटेंट, ये इस इक्वेशन की हेल्प से आप पता लगा सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का, है ना, कि किसका कितना रहता है। देखो आप किसकी बात की है, क्वेश्चन नंबर 48 में बात की है आपसे मेल्टिंग पॉइंट के बारे में। तो एक बार बताओ, मेल्टिंग पॉइंट आइस की बात की है, आइस का वॉल्यूम है ना, ये वी वन क्या है आइस का वॉल्यूम, वी टू किसका वॉल्यूम है, जब आइस बदल जाएगी प्रेशर अप्लाई करोगे तो वाटर में बदल जाएगी, ठीक है जी। आइस का वॉल्यूम ज़्यादा होता है, पिघल करके वॉल्यूम कम हो जाता है आयतन, इसका मतलब है यहाँ पर वी वन ज़्यादा है वी टू से, ठीक है जी। आइस का वॉल्यूम ज़्यादा होता है ना, अब जब वी वन ज़्यादा है तो वी टू में से वी वन घटाओगे तो निगेटिव ना आएगा, बताओ, कम वाले में से ज़्यादा वाला घटा रहे हैं वी वन तो निगेटिव आएगा। एल और टी को छोड़ो तो ये सारा कैसा आया, निगेटिव, यानी कि डी पी अपॉन डी टी ये क्या आया, निगेटिव। तो डी पी बराबर, ये डी टी बराबर माइनस का डी पी, डी टी इधर ले जाओ माइनस इधर ले जाओ, डी टी बराबर आया माइनस का डी पी। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप डी पी को बढ़ाओगे तो जो आपका डी टी है वो घट जाएगा, ठीक है जी। डी पी की वैल्यू प्लस की रखोगे तो डी टी की माइनस की रहेगी, तो डी पी को बढ़ाते हैं डी टी घट जाता है। डी टी घटने का मतलब है मेल्टिंग पॉइंट का घट जाना, प्रेशर के बढ़ाने पर मेल्टिंग पॉइंट घट जाता है, ठीक है जी। प्रेशर को आप बढ़ाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट जो है, मेल्टिंग पॉइंट, प्रेशर को बढ़ाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट घट जाएगा, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 48 है ये, है ना। तो ये आइस के केस में है बस, है ना, और दूसरे के लिए अलग हो जाएगा, है ना। मैंने थ्योरी में समझा रखा है बहुत अच्छे से, आप उसे देख लेना। बाकी ये प्रेशर बढ़ाने पर मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्वेश्चन नंबर 48 का। तो कह रहा है बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस डिक्रीजेज, है ना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, है ना, क्लियर है जी। मेल्टिंग पॉइंट घट जाता है, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 49 कहता है एन आइडियल हीट इंजन ऑपरेट्स इन ए कार्नोट साइकिल बिटवीन, टेम्परेचर दे रखे हैं T1 T2, T1 ज़्यादा वाला टेम्परेचर होता है, तो T1 है 127 डिग्री सेल्सियस, जैसे आप 273 में जोड़ोगे तो T1 कितना आ जाएगा, है ना, 400 आ जाएगा, 400 केल्विन। T2 बराबर है आपका 27 डिग्री सेल्सियस, कम वाला टेम्परेचर T2 होता है, सिंक का टेम्परेचर, तो 27 प्लस 273 कितना आ जाएगा, ये जाएगा 300 केल्विन। आपसे कहा इट एब्जॉर्ब्स, जो हीट एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करने वाली हीट होती है Q2, नहीं, वर्किंग सब्सटेंस जो एब्जॉर्ब करता है
जो देता है वो होती है Q2, है ना, जो सिंक को दी जाती है, लेकिन जो एब्जॉर्ब करता है, ठीक है जी, हायर टेम्परेचर T1 पर सोर्स से, वो दे रखी है यानी Q1 दे रखा है, कितना है 6.0 या 6 × 10⁴ कैलोरी। आपसे कहा अमाउंट ऑफ हीट कन्वर्टेड इनटू वर्क, यानी आपसे देखो जो हीट सिंक को दी जाती है वो Q2 होती है, और जो हीट वर्क में बदलती है वो होती है Q1 माइनस Q2। ये हीट वो होती है जो वर्क में बदलती है, ठीक है, कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा, W बराबर Q1 माइनस Q2 होता है, और इसने यही पूछा है वो हीट बताओ, उस हीट की अमाउंट बताओ जो वर्क में बदल गई, तो वो क्या होती है जो वर्क में बदलती है Q1 माइनस Q2। तो पहले Q2 चाहिए आपको, तब Q1 माइनस Q2 निकलेगा। तो एक फॉर्मूला है आइडियल गैस के लिए, आप क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन है ये, तो Q1 अपॉन Q2 बराबर होता है T1 अपॉन T2। Q1 कितना है आपको दे रखा है, Q2 आपको निकालना है, T1 कितना है 400 और T2 कितना है 300, जीरो से जीरो काट लो, ठीक है जी। तो Q2 बराबर आ जाएगा आपका, Q2 इधर पहुंचेगा और ये हो जाएगा, ठीक है जी, 3 × 18 × 10⁴ और बटे में आएगा 4, ठीक है जी। तो 9/2 का मतलब 4.5, है ना, × 10⁴, इतनी कैलोरी Q2 आ गया। नीचे का दिख रहा है आपको, नीचे का दिख नहीं रहा है ना, चलो इधर लिख देता हूँ, तो ये आ जाएगा आपका 4.5 × 10⁴ कैलोरी, ठीक है जी, इतनी आ गई आपकी Q2। आपको Q1 माइनस Q2 निकालना है। Q1 की वैल्यू आप देखो कितनी है, ये रही 6 × 10⁴, और Q2 4.5 × 10⁴ कितना आएगा घटा के 4.5 और 6, तो 1.5 × 10⁴ कैलोरी, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, एक क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन नंबर आपका 50 था भाई, 49 छूट गया, चलो मैं उसे बाद में करा दूंगा, ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 50 है ये, है ना, तो इसका आंसर आप देखें, है ना, इसका जो आंसर है वो क्या है, 1.5 × 10⁴, और इस तरीके का आंसर कोई सा दे नहीं रखा, 1.6 वाला दे रखा है, ठीक है जी। तो इसका 1.6 के करीब ही लगभग हो जाएगा, तो आप ऑप्शन नंबर सी लगा सकते हो, ठीक है जी, क्लियर है। तो लगभग 1.6 आप ले सकते हो, क्योंकि 1.5 1.6 के करीब है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 50, ठीक है जी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपका एक क्वेश्चन छूट गया, क्वेश्चन नंबर 49, मैं उसे करा देता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है आपसे, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कुक राइस एट द टॉप ऑफ ए हिल, यानी किसी पर्वत की चोटी पर जो चावल पकाना है वो कठिन क्यों है। तो इसका तो पता होगा आपको, ये तो GS में भी आता है क्वेश्चन, पहाड़ों पर भोजन पकाना कठिन क्यों होता है, क्योंकि दाब कम हो जाता है, इस कारण से बॉइलिंग पॉइंट, प्रेशर कम होने से बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है, जो क्वथनांक होता है, तो वाटर जो है जल्दी उबलने लगता है कम ताप पर ही, और कम ताप पर वाटर तो उबल रहा है, लेकिन जो चावल है, जो दाल है ना, वो उसे इतनी हीट नहीं मिल पाती कि ताकि वो पक जाए, ठीक है। पानी तो उबलने लगेगा, लेकिन ज़्यादा टेम्परेचर पर पानी उबलेगा तो उतनी हीट मिल जाएगी चावल को ताकि वो पक जाए, लेकिन कम टेम्परेचर पर यदि पानी उबलेगा तो इतनी हीट वो नहीं दे पाता है चावल को कि ताकि वो पक जाए, ना। ये भी वैसे उस इक्वेशन से ही है, क्लोसियस क्लैपेरॉन लेटेंट हीट इक्वेशन जो है आपकी, dP/dT बराबर था L/T और V2 - V1, इस तरीके का था। तो यहाँ पे देखो आप खुद बताओ, V1 वॉल्यूम है वाटर का और V2 है वेपर का, है ना, जो भाप बनेगी, वाष्प, है ना। तो V2 ज़्यादा है यहाँ पे V1 से, तो V2 - V1 आपका आएगा पॉजिटिव, ज़्यादा में से कम वाला घटा रहे हो ना, तो सारा ही पॉजिटिव आ जाएगा, यानी dP/dT बराबर आएगा पॉजिटिव, और dT बराबर आएगा प्लस का dP। इसका मतलब है प्रेशर बढ़ाओगे तो जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है वो प्रेशर के बढ़ाने पर बढ़ेगा,
और प्रेशर के घटाने पर घटेगा, इसे बढ़ाओगे ये बढ़ेगा, इसे घटाओगे ये घटेगा। तो प्रेशर के बढ़ाने पर बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक बढ़ता है, घटाने पर घटता है। अब पहाड़ों पर जाते हैं तो प्रेशर घट जाता है, प्रेशर घटता है तो ये बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर जो है वो घट जाता है, ठीक है। इस कारण पानी जल्दी उबलने लगता है और फिर उसमें इतनी हीट नहीं मिल पाती वो किसी भी, है ना, जो भोजन है, तो जैसे चावल की बात हो रही है राइस की, तो वे नहीं पक पाते हैं, ठीक है जी। तो उसका कारण क्या है कि बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। ऑप्शन नंबर देखो, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज लोअर देयर, वहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट वाटर का कैसा रहता है, कम रहता है, ठीक है जी। तो आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी, ऑप्शन नंबर सी। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 49 था, 50 मैंने आपको करा दिया, ठीक है जी। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर। क्वेश्चन नंबर 51 आपके सामने है, आप देख सकते हैं, ठीक है जी। एक ग्राफ दे रखा है, देखो इस तरीके का, इस तरीके का एक ग्राफ है, ठीक है जी। इस एक्सिस पर प्रेशर है, इस एक्सिस पर वॉल्यूम है। प्रेशर जो है आपका वो मान लो यहाँ, ये थोड़ा रफ हुआ हुआ है तो आप देख लेंगे इसे, यहाँ P1 है और यहाँ 4P1 है। यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो आपका V1 है और यहाँ पर जो आपका वॉल्यूम है वो आपका दे रखा है 3V1, ठीक है जी। तो आपको निकालना है क्या, आपसे कहा नेट वर्क डन आपको बताना है गैस का, है ना, एट द एंड ऑफ द साइकिल इज इक्वल टू, तो नेट वर्क डन आपको बताना है। तो वर्क डन का फॉर्मूला है, एरिया के बराबर होता है वर्क डन, जैसा कि आप जानते हैं, और एरिया इस कर्व का क्या हो जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो इसका आधार कितना है भाई, 3V1 यहाँ तक है पूरा, V1 इतना है, तो ये कितना बचा, V1 से लेकर 3V1 तक की बात आप करेंगे तो 2V1 बचेगा, ठीक है जी। और यहाँ देखो यहाँ अंतर कितना है, P1 से लेकर 4P1 तक है, तो यहाँ अंतर है 3P1 का, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा 3P1V1, ठीक है जी। तो यही इसका वर्क डन का आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 आप पढ़ें, आपके सामने हैं। देखो इसमें भी क्या है, इसी प्रकार से मोनोएटॉमिक गैस है और इस बार जो कर्व है वो एक राइट ये रेक्टेंगल दे रखा है, आपसे वर्क डन पूछा है, ठीक है जी। तो इस तरीके से एक रेक्टेंगल दे रखा है, यहाँ पर जो प्रेशर है P, V है, यहाँ पर P, 2V है, यहाँ पर 2P, 2V है और यहाँ पर है 2P, V, ठीक है जी। इस एक्सिस पर वॉल्यूम है और इस एक्सिस पर प्रेशर है, आपसे पूछा वर्क डन, तो वर्क डन तो एरिया के बराबर हो जाएगा। और एरिया रेक्टेंगल का क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई L×B, लेंथ कितनी है, वॉल्यूम V से, इस एक्सिस पर देखो Y, इस एक्सिस पर वॉल्यूम है ना, तो V से 2V तक गया है, तो इसकी लेंथ कितनी हो गई V, और B मतलब चौड़ाई, तो प्रेशर इस एक्सिस पर P से 2P तक गया है, तो कितने का अंतर है P का, तो यानी W बराबर आ जाएगा PV, ठीक है जी। तो ऑप्शन नंबर आपका A करेक्ट हो जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर इसके बाद है आपका 53। देखो क्वेश्चन नंबर 53 में क्या कहता है, आपसे कहा विच वन इज ट्रू, कौन सा आपका ट्रू है, जो कोफिशेंट ऑफ परफॉर्मेंस है, है ना, उसके फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, K बराबर होता है Q2/W, है ना, ठीक है जी। ये पहला ऑप्शन दे रखा है कि कोफिशेंट ऑफ परफॉर्मेंस इतना होता है, तो ये ठीक बात है, इतना होता है K=Q2/W। दूसरा दे रखा है K=T2/T1-T2, है ना, एक होता है K=Q2/Q1-Q2 और एक होता है K=T2/T1-T2
टी टू अपॉन टी वन माइनस टी टू। तो ये सारे ही फॉर्मूले जो है ना करेक्ट हैं। ऑप्शन नंबर बी में टी वाला दे रखा है और ऑप्शन नंबर सी में क्यू वाला दे रखा है, ठीक है जी। तो सारे ही फॉर्मूले करेक्ट हैं, तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ठीक है जी। ये तीनों ही फॉर्मूले करेक्ट हैं, क्लियर है। चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 में देखो क्या कहा आपसे, कहा इफ टू सिस्टम्स आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, है ना। देखो दो सिस्टम है ए और बी, दोनों किस में है एक दूसरे के साथ, थर्मल इक्विलिब्रियम में। आपसे कहा देखो इफ टू सिस्टम्स आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ए थर्ड सिस्टम, हाँ ऐसे नहीं है, दोनों सिस्टम जो है ना वो एक तीसरे सिस्टम के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, यानी ए भी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है और बी भी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो नियम कहता है कि ए और बी भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। ये कौन सा नियम है, तो आपको पता है यह है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी का शून्य वाला नियम। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। थ्योरी में मैंने समझा रखा है बहुत अच्छे से, क्लियर है। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 55, है ना। क्वेश्चन नंबर 55 देखें आप, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 55 में आपसे पूछा है क्लोसियस थ्योरम कौन सी है। तो क्लोसियस थ्योरम ये होती है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए रहता है, डी क्यू अपॉन टी जो होता है ना, इंटीग्रल फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस डी क्यू अपॉन टी बराबर जीरो होता है, ठीक है जी। रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए जीरो होता है ना, यही बात क्या कहलाती है, क्लोसियस थ्योरम। तो यानी 55 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी।